नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों, IPL 2023 का ऑक्शन हो चुका है, जिसमें सैम करन 18 करोड़ के साथ जो है IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। IPL ऑक्शन 2023 के बारे में पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है, इसके अलावा वसीम अकरम ने IPL के बारे में क्या कुछ कहा है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। IPL बेसिकली जो है ना वो बड़ी हाई लेवल की गेम है। ये जो पाकिस्तान का PSL है वो तो उसके करीब करीब भी नहीं ना है ना। PSL अब देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के अकॉर्डिंग IPL से बहुत बेहतर है। कौन सी लीग आपको पसंद है? लाइक इंडियन लीग इज बेटर वन। IPL आपको ज्यादा पसंद है? जब से IPL शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। IPL बेसिकली जो है ना वो बड़ी हाई लेवल की गेम है। ये जो पाकिस्तान का PSL है वो तो उसके करीब करीब भी नहीं ना है ना। IPL में कम से कम भी 10 करोड़ तो कहीं नहीं ना गया। 10 करोड़ कहीं नहीं गया? 10 करोड़ सर बहुत अमाउंट होती है। चाहे बहुत अमाउंट होती है, हो सकता है इससे भी ज्यादा का गया हो, अंदाजा है सिर्फ मेरा अंदाजा है। तो मतलब कि आप कंफर्म है? वैसे 10 करोड़ में PSL में कितने प्लेयर्स आ जाए? 10 करोड़ में PSL के अंदर दो तो आ ही जाएंगे कि इंडियन करेंसी के अंदर तो 18 करोड़ 50 लाख का बिजनेस। नाइस, 18 करोड़ 50 लाख का बिजनेस तो आप कहाँ जा रहे हो? अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 50 करोड़ से ज्यादा बन जाती है अमाउंट। लाइक 50 करोड़, अब आपके पास 50 करोड़ आ गए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, पहले तो आए फिर हम देखेंगे क्या करना है। नहीं यार, सोचा कहा करो ना, 50 करोड़ आगे बेन स्टोक्स की हमारे प्लेयर को भी इतने पैसे देंगे तो कहाँ PSL खेलने आएंगे वो? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो वो जितना पूरा IPL का जो बजट है वो उनका एक प्लेयर ही आएगा सिर्फ यहाँ पे। को यही था कि IPL से इंडिया को बड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज IPL स्टार्टेड इन 2008, उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब से IPL शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, बिकॉज़ ये दे वन 2011, दैट्स 50 ओवर, दैट्स 50 ओवर नहीं, हम 20 की बात कर रहे हैं ना। तो जब से IPL शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता, और उससे पहले जो था वाज 2007 में साउथ अफ्रीका में। तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फर्क पड़ता है? अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स कि जे इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, वन एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाज़त मिल जाए, क्या शे भी फ़र्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी IPL इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो। बट यह कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सो दैट्स वॉट मैटर्स वेयर यू बिकम अ गुड प्लेयर। कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेज जो है वो ज़ाहिरी बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए। तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद द लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो हाउ दे आर सो कंसिस्टेंट। तो आई गेस देर आर सो मैनी एलिमेंट्स जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। स्टेक्स हाई होते हैं ना तो प्रेशर भी हाई होता है फिर, एंड आई फील के यू नो IPL इज़ अ मेगा इवेंट। आई मीन यू नो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक, यू नो बड़े बिग बिजनेस मैन आर इन्वॉल्व, यू नो इट्स अ बिग कंपनी, यू नो इट्स अ ह्यूज कंपनी एंड मेगा इवेंट होता है। तो आई मीन जब आप इतना बड़ा मेगा इवेंट खेलते हैं तो फिर आपके जब आप इस तरह के इंटरनेशनली जाते हैं तो आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है। एंड ये जो आप जितने भी आपने अभी मैचेस गिनवाए हैं, दे आर नॉकआउट मैचेस, तो जब आप नॉकआउट स्टेजेस पर पहुंचते हैं तो दैट बर्डन रियली यू फील दैट ऑन योर शोल्डर्स। एंड आई फील के वो आज भी नज़र आया पिछली दफ़ा, लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान से खेले इन UAE, फिर एशिया कप में, ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखी हैं उनके शोल्डर्स पर, दे जस्ट टेक प्रेशर एंड दैट्स व्हाई दे कुडंट रियली जस्ट मूव ऑन विद द गेम। जो दिलेरी से वहाँ पे खेलते थे वो दिलेरी यहाँ पे नहीं आती। आई मीन एक हो गया। और बेन स्टोक कितने में हुआ? 16 करोड़। 16 करोड़ में यार पाकिस्तानी 47 करोड़। ऐसा मतलब पाकिस्तानी बड़े सस्ते है यार। नहीं मतलब क्या, आप ये देखें 50 करोड़ में अच्छा खासा बंदा क्या से क्या कर ले यार। भाई सीधी जोन सी बात है, इनको चाहिए इतने महंगे महंगे प्लेयर क्यों खरीदने हैं? यहाँ पे चुबुर्जी जाओ हर प्लेयर आपको मिलेगा, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाना है। मैं कहता हूँ उन्होंने हजार हजार स्कोर मार जाना है आपको कि यार ये प्लेयर होते हैं। वो जो इंजेक्शन वाली ताकत है वो तो फिर अलग ही ताकत है।
अलग ही ताकत है, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, असल प्लेयर हो हैं। बाकी बातों की बात ये है, 18 करोड़ 50 लाख का इंडियन करेंसी के अंदर सोल्ड आउट हुआ है ना करें यार, 18 करोड़ 50 लाख का। अभी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 50 करोड़ बनता है। ला माफ करे, हिसाब लगाएं कि सिर्फ 50 करोड़ लीग खेलने का, बाकी की चीजें, बाकी के मतलब के जो चीजें हैं, होटल शोटल ये वो, मैच की फीस ये वो, हर चीज वो अलग है, वो अलग है। आप देखें कि मैचेस खेलने का 50 बंदा फिर कहां बीएसएल को खेलने का, उसको इतना पैसा मिल रहा है। कहता हूँ यार, ये 4 साल की डिग्रियां जोड़ो, क्रिकेट में ही आ जाओ, क्रिकेट में बड़ा पैसा है, लेकिन बात पता है कि लक भी बहुत काउंट करती है। लेकिन देखें ये मैंने देखा, कभी छोटे प्लेयर्स को भी इतना ऊपर पैसों में खरीद लेता, जिंदगी बदल देता है यार। असल में बात, मैंने आपको पहले ये बात कही है कि जो इंडियंस हैं वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बिल्कुल हर लिहाज से देते हैं, चाहे छोटा प्लेयर है चाहे जैसा मर्जी प्लेयर है, वो चांस देते हैं। हमारी पाकिस्तान में ये डेफिशिएंसी है कि हम चांस किसी को नहीं देते। आपके पास 50 करोड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे पास 50 करोड़ आ जाए ना तो मैं फर्स्ट हैंड शादी करूँ। देख लेंगे अनकड़ी पीएसएल आईपीएल को बीट कर रहा है। नहीं, दुख कर दिया आपने, दुखी कर दिया। नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा यार। आप आईपीएल देखो, आईपीएल के अंदर स्कोर रेटिंग ही उनकी इस तरह की देखने लिए होती है, और पाकिस्तान के अंदर वो पीएसएल भी इस तरह चल रहा होता है कि यार बंदा कह रहा है यार शायद टेस्ट मैच है। ये तो वैसे आपने बात बड़े पते ही गई, इंशाल्लाह इसको कहते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। बातों की बात ये है, अगर प्लेयर्स को तेज करना है ठीक है, तो उनको चुबुर्जी वाली जो उनकी टीम है उसके अंडर दें तो फिर काम बनना है। आपसे ये क्या अंदाजा, कब पीएसएल जिसको कहते हैं आईपीएल को बीट कर देगा? पीएसएल देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के अकॉर्डिंग आईपीएल से बहुत बेहतर है। वो एक मैं सुन रहा था कि आप इंडियंस को, हमने शोएब अख्तर ने कहा था कि आप पैसा बना के यहाँ तक पहुँचे और हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, तो पीएसएल इज स्टैंडर्ड वाइज डिफरेंट। आईपीएल में ऑब्वियसली पैसा बहुत पैसा है। देखती है पीएसएल प्लेयर्स, पीएसएल ऑब्वियसली प्लेयर्स देखती है। अगर आप हैरी ब्रुक भी देखें तो हैरी ब्रुक भी इंग्लैंड टीम में सिलेक्ट हुआ था, पीएसएल की प्रोडक्ट है, और इसके साथ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं जो पीएसएल की प्रोडक्ट हैं। पीएसएल कब आईपीएल को पीछे छोड़ने वाला है? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कब तक हो जाएगा अंदाजा? मे बी आफ्टर। दोनों लीग में फर्क क्या है? लाइक एक इंडिया में होता है, एक पाकिस्तान में होता है, लेकिन कोई अच्छी क्वालिटी का भी तो फर्क होना चाहिए। कौन सी लीग आपको पसंद है? लाइक इंडियन लीग इज बेटर वन, आईपीएल आपको ज्यादा पसंद है।